नमस्कार लक्सांस कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आपको फिर से स्वागत करता हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपडेट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या आज के न्यूज़ है और बारे में बताते हैं PRSU के क्या डिटेल आया हुआ है। तो देख सकते हैं आप, ऑनलाइन एडमिशन सही, सेमेस्टर के फॉर्म भी भरे जाने हैं ऑनलाइन, ये तो आपको सभी को पता ही है। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन जो है वो दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा जा रहा है, ऑनलाइन सिरदर्द, ना लिंक और ना ही मैसेज, शिकायत लेकर पहुँचे छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो छात्रों की सारी सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करने का दावा करने वाला जो रविशंकर विश्वविद्यालय है, कोरोना संक्रमण के दौरान अपने छात्रों को सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहा है। क्या है, जब छात्र विश्वविद्यालय पहुंच रहे तो उनके साथ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये बातें सामने आ रही है। सेमेस्टर परीक्षा के साथ साथ जो है ऑनलाइन आवेदन जो नया एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए भी आ गई है। तो इससे जो है असमंजस हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से जो है बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो रही है, किसी का फोटो लगा रहा है तो किसी का सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये सब प्रॉब्लम के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है फॉर्म में सुधार का विकल्प नहीं है, आधे छात्रों को छात्रों तक मैसेज ही नहीं पहुँचा है, तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। शिकायत क्या क्या आ रही है, रविशंकर विश्वविद्यालय लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन लेना है तो मैसेज भेजा गया है, तो अपना ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, अन्य जानकारी अपडेट करना है, लेकिन आधे छात्रों को तो मैसेज मिला ही नहीं है और आधे को मिला है। पहला प्रॉब्लम ये था। और नया वाला जो लिंक आया है जिसमें आपको अलग से अपने से खुद डाल सकते हैं ईमेल और व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर सकते हैं, वो सेमेस्टर वालों के लिए हो नहीं रहा है। दूसरा ये बोल रहा है कि रविशंकर विश्वविद्यालय का लिंक खुल नहीं रहा है, किसी तरह की गड़बड़ हो जाने पर सुधार का विकल्प मिल नहीं रहा है, अपडेट नहीं हो पा रहा है। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन वाले छात्रों से पिछले सेमेस्टर की अंक सूची मांगी जा रही है, कई संकाय के छात्रों की मार्कशीट ही जारी नहीं की गई है। तो ऑनलाइन वाला अपन डाल दे रहे हैं क्योंकि अपने कॉलेज से पूछ के आप लोग ऑनलाइन वाला डाल सकते हैं, ठीक है, इसका ये है। यहाँ पर बोल रहा है कि फीडबैक पर काम करेंगे, बोल रहे हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट में तकनीकी खराबी थी जिसे सुधार लिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से जो है बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बिना परीक्षा उत्तीर्ण करने रविशंकर विश्वविद्यालय बदलेगा अध्यादेश, उच्च शिक्षा को भेजा गया प्रस्ताव। कल जो है सोमवार को रविशंकर विश्वविद्यालय में पूरा दिन चलता रहा बैठकों का सिलसिला। ऑनलाइन सिस्टम को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ठीक कराएं ताकि छात्रों का जो है प्रॉब्लम आ रही है वो सब सॉल्व हो जाए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रविशंकर विश्वविद्यालय में बैठक हुई जिसमें परीक्षा मूल्यांकन परिणाम प्रवेश प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो कार्य परिषद से जो है यहाँ पर और विद्या परिषद की बैठक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय अध्यादेश के बदलाव को लेकर लिया गया है। जनरल प्रमोशन देने के लिए और ऑनलाइन परीक्षाओं तक के आयोजन के लिए अध्यादेश में बदलाव किया जाना है जिसके बारे में बातचीत हुई है। कोरोना के कारण ये सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊँ कि जो महाराष्ट्र है और दिल्ली है, महाराष्ट्र और दिल्ली ने क्या किया था, लास्ट ईयर वालों का भी जो है जनरल प्रमोशन कर दिया था। तो ये जो है मामला जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला है इसके बारे में तो उन्होंने क्या बोला है उस बात को समझिए। उन्होंने कहा है अगर आप परीक्षा नहीं दिलाते हैं तो आपको मार्कशीट भी नहीं मिलेगा, सावधान कर दिया है बच्चों को। बोला जा रहा है कि यदि आप एग्ज़ाम नहीं दिलाएंगे तो आपको मार्कशीट बिल्कुल नहीं मिलेगी। और ये मत समझिए कि मामला कोर्ट में लंबित है तो आपका कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। और यूजीसी ने कह दिया है ये सब बातें, और यूजीसी बोल रहा है कि जो परीक्षा कराना है, जनरल प्रमोशन देना है, ये सब अधिकार यूजीसी के पास है, कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगा। तो ये अगर यहाँ पर यूजीसी से कह दिया गया है कि एग्ज़ाम होगा तो होगा, अब आप मामला कोर्ट में लंबित है तो कुछ और है, ये सब बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश ना करें, आपको एग्ज़ाम दिलाना है, अपनी तैयारी रखें, यूजीसी ने बोल दिया है अपने बयान में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत, हंगामा, गेट पर ही डीन दफ्तर। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर,
5 दर्जन स्टूडेंट यानी कि 60 स्टूडेंट लगभग जो है रविशंकर विश्वविद्यालय कल मंडे को पहुंचे थे। अंदर नहीं जाने पर जो है गेट पर ही बैठ गए। 1 अगस्त से प्रवेश शुरू हुआ है और दावा है कि वेबसाइट की दिक्कतें दूर कर ली गई और गेट पर बैठेंगे अब डीन स्टूडेंट वेलफेयर। कल आज से मतलब कि गेट पर ही रखा जाए मतलब बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए बता रहा है कि रविशंकर का जो ये वाला गेट है वहीं पर आपका टोटल व्यवस्था कर दी गई है और वहीं पर आवेदन में जो दिक्कत आ रही है वो वहाँ पर बैठकर ही सॉल्व किया जाएगा। अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। रविशंकर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में आवेदन चालू कर दिए गए हैं, इससे बड़ी संख्या में सोमवार स्टूडेंट पहुँचे हैं ये बताया जा रहा है। नए प्रवेश द्वार जो कि ये बना हुआ है उसके सुरक्षा कर्मियों ने जो है रोक लिया। ऐसा प्रॉब्लम बहुत हो रहा है और बहुत दूर दूर वाले पता नहीं कैसे करेंगे क्या प्रॉब्लम ये। हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा जो है आ रहा है इसमें। तो इसके अलावा जो है साथ ही साथ आपको एक और न्यूज़ दिखाएं, और न्यूज़ इसमें ये है कि परीक्षाओं के लिए लंबी कवायद बाकी। अब आपको ये बताया जाए, ये डिटेल से मैं बताता हूँ कि देखिए जो PRSU है, PRSU का जो मतलब नियम कानून है उसमें ये बताया कि 3 आवर का परीक्षा लेने का इसका फॉर्मेट है, मतलब कि 3 घंटे में परीक्षा लेना रहता है और लिखित रूप में ऐसा ऐसा ये सब एक रूल है बना हुआ है सेक्शन के थ्रू। अब इसको चेंज कर देना है। चेंज करके क्या करना है, असाइनमेंट के थ्रू करना है या इंटरनल मार्क्स के थ्रू करना है, ये सब करना है। तो ये सब के लिए एक ऑर्डिनेंस करना पड़ता है, ऑर्डिनेंस पास करना पड़ता है। ऐसे ही डायरेक्ट कोई नहीं कर देता है, तो ऑर्डिनेंस पास कर देना रहता है और ऑर्डिनेंस पास हुआ ही नहीं है अभी तक। कैसे करना है इसलिए और भी लेट लग रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है ना, देखिए आप उच्च शिक्षा विभाग, फिर मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर राज्यपाल, तो इतना पूरा मंजूरी होगा तब जाके ये सब डिटेल काम होगा। यहाँ पर देखिए इतना काम अभी भी बाकी लिखा हुआ है। नवीन संशोधन की मंजूरी प्रक्रिया भी लंबी है, उच्च शिक्षा विभाग, फिर उच्च शिक्षा मंत्री के पास जाएगा, फिर मुख्यमंत्री की स्वीकृति होगी, फिर राज्यपाल के प्रस्ताव, राज्यपाल की मंजूरी के बाद विश्वविद्यालय में स्थायी समिति और कार्य परिषद की बैठक होगी, तब जाकर मसौदा तय होगा। आज ऑटोनॉमस कॉलेज हैं जो कि स्वशासी कॉलेज, उन लोगों की बैठक है, क्या होने वाली है आज के मतलब कल के न्यूज़ में आपको पता चल जाएगा। सवाल उठ रहा है ये कि किस आधार पर हो रही परीक्षा की तैयारी, ऑर्डिनेंस तो पास हुआ नहीं है इसीलिए यही बोल रहा हूँ मैं। दूसरा हो रहा है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने अब तक तो परीक्षा के प्रस्ताव ही नहीं भेजे हैं। संशोधन को रविशंकर विश्वविद्यालय और कार्य परिषद की मुहर, ये तो बोल दिया गया है लेकिन अभी ये सब डिटेल अभी आना बाकी है। सब में कुछ अभी हुआ ही नहीं है, मतलब बहुत सारा काम बाकी है। और जिन लोगों का प्रमोशन होना है उन लोगों का अभी तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ टाइम लगेगा। और जिसको जितना जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपको सजेशन दे पाऊँगा मैं ज़रूर दूँगा, तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमें अगर आप पर्सनली में बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है हमारे लक्षांश कोचिंग क्लासेस का, तो वहाँ से हम जो है डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर बने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे जल्द से जल्द आप सभी को नोटिफिकेशन मिले, ताकि ये न्यूज़ ये वीडियो जो है आप तक पहुँचे और आप दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी ज्ञात हो कि ये सब प्रॉब्लम और ये परेशानी और ये अपडेट न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों से कि दूसरों तक शेयर करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जैसे आप लोगों ने सपोर्ट कर हमें यहाँ तक पहुँचाया है, ऐसे ही जो है आगे सपोर्ट करते रहें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और दूसरों को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद लक्षांश कोचिंग क्लासेस।